आनंदमय होगा और साथ ही साथ हमारा जीवन जो है उन्नति को अग्रसर होगा सम्मान के साथ, ठीक है। लेकिन क्या है, हम जय श्री राम का नारा लगा लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं राम जी को, राम जी के साइड में हमारे वापस अपनी अय्याशियों में लग जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जब हम तिलक धारण करते हैं, जब हम गमछा डालते हैं गले, भगवान को के पार्षद बनने की कोशिश करते हैं कि भगवान के अनुयायी है, तो हमें भगवान के लक्षणों को धारण करना पड़ेगा। मैं आपको भगवान बनने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भगवान ने व्यवस्था भी करी है कि इंसान उठे तो देवता बन जाए, गिरे तो दानव बन जाए। इंसान बीच की कड़ी है देवता और दानव के बीच में, तो अपने संस्कार अगर अच्छे हैं तो हम उन्नति की ओर जाएंगे, यानी देवत्व की ओर जाएंगे, है ना। भगवान राम के गुणों को धारण करें, भगवान राम के गुण क्या क्या थे, कोई विशेष? मर्यादा में रहते, ठीक है हर प्रकार की मर्यादा, जिसमें आपकी प्रकृति की अपनी मर्यादाएं, आपके कुल परंपरा की अपनी मर्यादाएं, ठीक है। उन मर्यादाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं करना। उन्होंने अपनी मर्यादा के पालन करने के लिए सिर्फ एक शब्द पर वनवास धारण कर लिया। जो जगतपति है वो नंगे पांव पूरे 14 वर्ष तक वन भटके, सिर्फ एक मर्यादा से। वो मर्यादा नहीं थी, वो मर्यादा जगतपति है। कई ऋषि संत मुनि वर्षों से तप कर रहे थे उनके दर्शन के लिए, उनके स्पर्श मात्र के लिए, जो अलग अलग योनियों में भटकते भटकते कोई घास का तिनका बन गया, कोई धूल बन गया, कोई क्या बन गया, तो उन सबको भगवान का स्पर्श मिले, इसलिए भगवान ने चरण पादुकाएं तक त्याग दी और नंगे पांव भगवान वन भटके, है ना। तो शबरी का तो आप लोगों को पता ही, तो भगवान भाव भक्ति वाले हैं। आपका जितना प्रेम होगा ना परमात्मा के प्रति, जरूरी नहीं है शबरी को कोई मंत्र नहीं आता था, शबरी किसी भी प्रकार के गुण नहीं थे, वो स्वयं कहती है। फिर बात करें कुल जाति की, तो कुल जाति भी उसने शबरी स्वयं ने कहा कि भाई मैं ऐसे कुल अधम कुल की जिसका नाम ले तो लोगों को खाना ना मिले, है ना। तो ऐसी शबरी को भगवान राम स्वयं जाकर के दर्शन देते, क्यों देते हैं, उसकी सेवा भक्ति, उसकी सेवा भक्ति का। उसके गुरु ने एक बात कही थी कि प्रभु तुमसे मिलने यहाँ आएंगे, तुम इसी आश्रम में रहो। वो उसी आश्रम में रहती थी, गुरु के आश्रम में वहाँ सेवा करती थी और रोज भगवान का ऐसे ही इंतजार करती थी जैसे आज ही राम आएंगे। वर्षों उसने प्रतिदिन वो पूरा द्वार, वो पूरा रास्ता फूलों से सजाया, प्रतिदिन भगवान के लिए फूल चुन करके लाती थी। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई जाप नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, बस एक भाव सेवा का। आप लोगों को भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने आज तिलक लगा लिया तो आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो, आप रोज रामचंद्र का पाठ करो, ना जी। आप जो भी कार्य करते हो ना, उस कार्य के अंदर परमात्मा का कार्य है, ये कार्य भगवान का दिया हुआ है और मुझे इसे 100% करना है, 1001% उसके कार्य को मुझे करना ही है। हनुमान जी को क्या कहते हैं, हनुमान जी ने जब कार्य किया भगवान राम का, तब उनको रास्ते में मैनाक पर्वत ने आकर के रुका कि भाई थक गए हो, रुक जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। भगवान ने क्या कहा हनुमान जी ने, राम काज बिनु मोहि नहीं विश्राम। भगवान राम के कार्य के बिना मुझे कोई विश्राम नहीं है। तो राम काज क्या, भगवान राम ने उनको लंका भेजा था कि जाओ वहाँ सीता माता का पता लगा करके आओ, तो उन्होंने उस कार्य को सिर्फ एक कार्य मात्र नहीं, भगवान राम का कार्य मान करके किया, तो उस कार्य में उनको सफलता भी प्राप्त हुई। ऐसी सफलता प्राप्त हुई कि जगत विख्यात हो गया, आज हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, है ना। तो आप लोग भी अपने जीवन का कोई भी कर्म हो, कोई भी कर्म एक्स वाई जेड, अगर आपको कहा गया कि भाई आप यहाँ पढ़ने के लिए आए, तो उस पढ़ने के कर्म को भी अगर आपकी श्रद्धा, ये श्रद्धा मान करके कि ये कार्य मेरे परमेश्वर का है, परमात्मा ने मुझे इसके लिए चुना है कि मैं मानव सेवा के लिए समर्पित हुआ हूँ, मैं डॉक्टर बनने के लिए आया हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई को उस तन्मयता से, उस श्रद्धा से, उस भाव से करूँ, तो आपके लक्ष्य में सफल होगे और भगवान का कार्य करने का पुण्य भी मिलेगा, ठीक है। तो जब भी कोई कार्य करें, अभी जैसे मंदिर में जा रहे हैं, तो हम भगवान के निमित्त मंदिर जा रहे हैं, भगवान के लिए मंदिर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हम मंदिर जाएं तो कम से कम गोदन से करते हुए नहीं जाएं, है ना, शालीनता के साथ जाएं, लोगों को लगे कि हाँ कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं, ठीक है। तो पता चला कि क्या है कि एक दौर आया था इसी हिंदुस्तान के अंदर, एक दौर आया था जब भगवान गमछा डाल करके लोग चौराहे पर खड़े होकर जय जय सियाराम के जो नारे लगाते थे वो इतने भयानक तरीके से लगाते थे कि लोग भयभीत हो जाते थे, तब भी लोग डर जाते थे, ठीक है। हमें वो छवि नहीं बनानी है, भगवा डाल के हमें वो छवि नहीं बनानी, ये भगवा डाल करके हमें त्याग तपस्या और सनातन धर्म की परंपरा की ध्वजा लहरानी है, ठीक है। चले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हरे।
Bye.